बार नहीं रीन कोट करेंगे तो लोग उसके साइड इफेक्ट के बारे में शायद सुनेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो WHO की स्टडी है उसके हिसाब से, ग्लोबल स्टडी है उसके हिसाब से, जो इस समय सबसे ज़्यादा मृत्यु दर, जो सबसे ज़्यादा डेथ का कॉज है वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं वो दोनों आते हैं। तो इसके निवारण का क्या जो उपाय कर सकते हैं, उसमें जो रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो रही है, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रिवेंटेबल फैक्टर है उसमें टोबैको कंजम्पशन सब में बड़ा फैक्टर है। इसके होने से किसी भी पेशेंट में 2 से 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है किसी भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावना का। ये वो है जो लोग स्मोक कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ, क्योंकि हम टर्शियरी कार्डियक सेंटर हैं, हमारे यहाँ हार्ट अटैक के पेशेंट हमें जल्दी आते हैं, उसमें जो यंग पेशेंट हैं जिनकी एज, क्योंकि 30 साल से कम की उम्र के आयु के लोग भी आजकल हार्ट अटैक से आ रहे हैं, और इसका सब में मुख्य कारण स्मोकिंग है। क्योंकि एक सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग में सिर्फ स्मोक ही नहीं होता, सिर्फ निकोटीन ही नहीं होता, मोर देन 4,000 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं जिसमें से 40-50 कार्सिनोजेनिक होते हैं, और उन 4,000 में कौन सा सब्सटेंस उस पेशेंट में हार्ट अटैक कर रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये डिफाइंड फैक्ट है कि जो यंग पेशेंट हैं, जो कि 40 साल से कम या 30 साल से कम की एज के भी जो हार्ट अटैक के युवा आ रहे हैं, उनमें स्मोकिंग ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग उनको रीइंफोर्स करते हैं कि उसको बंद करते हैं। जो सक्सेसफुली बंद करते हैं उन्हें आजकल हम रिफॉर्म्ड स्मोकर्स बोलते हैं। और जो ये बात करें, जो स्मोकर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग, वो जो पैसिव स्मोकिंग का नाम था सेकेंड हैंड स्मोकिंग, फर्स्ट हैंड क्या हुई जब हम पीते हैं, सेकेंड हैंड क्या हुई जब बगल में बैठने वाला उसको पी रहा है, बिना पिए हुए भी वो धुआं जा रहा। एक वर्ड नया आया है थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड हैंड का क्या मतलब हुआ, जैसे जब आदमी धुआं निकलता है, धुआं में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल, जैसे घर में पी रहा मान लिया आदमी, तो घर के पर्दे पर, घर के फर्श में, घर के धूल में वो जो हार्मफुल, उसमें जो बताया ना कि लगभग 4,000 उसमें केमिकल हैं, 50 तो कार्सिनोजेनिक हैं, तो वो केमिकल वो धूल में, घर के पर्दे में, सोफे में, इंसान के कपड़े में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये थर्ड हैंड क्यों कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आप पीने वाले के बगल में हो तभी आपका एक्सपोजर होगा। आप कहीं भी पी रहे हो, सिगरेट पी के आए, आपके कपड़े पर आया, घर में आए, घर के वातावरण में मिल गया, और उसको आदमी, उसको भी जब इनहेल कर रहा, घर में कौन इनहेल करेगा, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सबसे ज्यादा घर में रहने वाले या लेडीज होती हैं। तो इसे हम कह रहे हैं, अभी रिसर्च चल रही है, थर्ड हैंड स्मोक भी उतना ही खतरनाक है जितना फर्स्ट हैंड या सेकेंड है। इसका इम्प्लीकेशन, बट लास्ट लाइन, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए जब 1950 में, अभी डॉक्टर साहब ने टच किया था, 1950 के पहले कोई नहीं जानता था कि धूम्रपान नुकसानदायक है। ये डॉक्टरों पर स्टडी हुई इंग्लैंड में, बहुत साल तक चली, तो उस लोगों ने धूम्रपान को बैन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और रिसर्च हुई तो पैसिव स्मोकिंग के बारे में पता चला, तो लोगों ने कहा भाई सिगरेट पीने वाले के बगल में भी बैठना खतरनाक है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोज स्पेस में, आप हवाई जहाज में जाते हैं, जैसा जैसा क्लोज स्पेस है स्कूल्स में, वहां पर बैन कर दिया गया। थर्ड हैंड का क्या इम्प्लीकेशन होगा, यानी अब जरूरी नहीं, आपके घर में अगर कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और आप उससे एक्सपोज्ड भी नहीं हैं, आप उसके अगल बगल भी नहीं हैं, तो आपके घर के इन्वायरमेंट में वो चीज मिल जा रही है इनडायरेक्टली, बिना 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 उसके बगल बैठे हुए और बिना सिगरेट या बीड़ी पिए। देखिए, जैसा आप सभी एक्सपर्ट की राय सुन चुके हैं, तंबाकू जहर है। आज की अगर एक बात में कहें हम लोग, तो यही कह सकते हैं कि तंबाकू जहर है। ये जहर आपके लिए है जो फर्स्ट हैंड स्मोक कर रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, ये जहर आपके पत्नी और घर वालों के लिए है जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग के शिकार हो रहे हैं, ये जहर उनके लिए है जो थर्ड हैंड का सर ने बताया। अभी जो बात रखी है कि थर्ड हैंड ये है कि जो एनवायरनमेंट बन गया उसके प्रोडक्ट की वजह से, उसके स्मोक की वजह से, उसकी जो राख है उसकी वजह से उस पर बैठे हैं हमारे लोग,
राख के ढेर पर बैठे हैं। हमारे टीचर एक कहा करते थे कि राख के ढेर पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये थर्ड हैंड स्मोकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्मोकर है या च्यूअर है वो अपना नुकसान कर रहा है, अपने परिवारजन और समाज का नुकसान कर रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान जो आने वाली जनरेशन है, जो आपका बच्चा है, उस बच्चे के लिए आप लोग सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। धूम्रपान से किस तरह की बीमारियां, सांस की बीमारियों से लेकर के, चाहे सीओपीडी की बात हो, चाहे तंबाकू खाने से मुंह के कैंसर से लेकर के पेट के कैंसर, सांस आपके फेफड़े के कैंसर से लेकर के तमाम तरह के कैंसर इससे हैं, पैंक्रियाज का कैंसर इससे हो रहा है, सब में एसोसिएशन पाया गया है, सांस की बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा जो इस बार की जो थीम है वो रखी गई है हार्ट डिजीज को लेकर के, दिल तोड़ने का काम कर रहा है तंबाकू। इस वार्ता का जो आज का हम लोगों का WHO की थीम है, उन्होंने कहा है कि दिल तोड़ने वाला है तंबाकू, दिल को कमजोर कर रहा है तंबाकू, और आने वाले बच्चों में हार्ट की जो कंजनाइटल परेशानियां हैं उनको बढ़ा रहा है तंबाकू। जो आजकल इस तरह के नशे से लोग हैं वो कैसे छोड़े इसको? देखिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे सर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर कुशवाहा सर उस विभाग में पहले से ही तंबाकू को सजेशन करने का क्लिनिक चल रहा है, राजेंद्र प्रसाद सर अभी वहाँ पे हैं एरा में, वहाँ भी आपका क्लिनिक चल रहा है। हमारा पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जब से OPD चल रही है तब से तंबाकू उन्मूलन क्लिनिक हम लोग चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं हम लोग कि किस तरह से हमारे लोग तंबाकू छोड़ सकते हैं। आपकी विलिंगनेस हो छुड़वाने में मदद हम लोग करेंगे, तो आप इस बात को रखें कि जो छोड़ना चाहते हैं वो हमारे पास आए, हम उनको छुड़ाएंगे। भारत में 10 लाख मौतें हो रही हैं प्रतिवर्ष तंबाकू से, दुनिया में 70 लाख मौतों का आंकड़ा है जैसा कि अभी बताया जा चुका है। जी, तो